चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक जो ई दृष्टि निकालता है आपका, उसी के बारे में। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य आपका खत्म कर चुके थे, आपका फिर हम लोगों ने विधिक परिदृश्य भी देख चुके हैं, उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं, और आर्थिक परिदृश्य में आपका लास्ट में हम लोगों ने बात की थी। विदेशिक क्षेत्र में जो भी 18, 19, 20 में जो भी घटनाएं घटी हुई समय, उन्हीं के बारे में देखा था। अब इसमें एक और आपका चैप्टर है अगला, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाचक्र घटनाक्रम, ये भी 18, 19, 20 की है। 19, 20 की आपकी जो भी घटना है इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं इनसे भी आपके हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, तो आपने देखा होगा कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 की, 13 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि ये विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है इसे, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 690 मिलियन लोग भुखमरी जैसी इस परिस्थितियों में थे। कितने? 690। आप लोगों ने सुना भी होगा, कई जगह रिपोर्ट भी देखी होगी कि जितने कोरोना इस बीमारियों से लोग नहीं मरते हैं, जितने लोग आपकी भुखमरी से मरते हैं। और याद रखिए, भुखमरी की एक इलाज की कोई मतलब, एक तरह से वैक्सीन है, आप लोग खाना दीजिए किसी को, उन्हें बचाया जा सकता है। कोरोना की तो चलिए वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई जा पा रही है, लेकिन वो वैक्सीन मतलब जिसे बचाया जा सकता है, उन क्षेत्रों में तो आप काम कर सकते हैं, तो ये भी देखते रहते हैं। तो 690 मिलियन लोग भुखमरी जैसी परिस्थितियों में है, और यह संख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 8.9% है। यानी कि आप कहिए कि 100 आदमी में से लगभग आप देखेंगे 9 आदमी भुखमरी से एक तरह से क्या है, पीड़ित हैं। इस संख्या में 2016 की तुलना में 10 मिलियन की तथा विगत 5 वर्षों में लगभग आप देखेंगे 60 मिलियन की वृद्धि हुई है, यानी कि कहने का मतलब है बढ़ोतरी हुई है। 2019 में 5 वर्ष से कम आयु के 21.3%, यानी कि 144 मिलियन बच्चे ठिंगने हैं। कैसे हैं? ठिंगने हैं। 6.9%, यानी कि 47 मिलियन एक कमजोर है। उसके बाद देखेंगे 5.6% के करीब आप देखेंगे ये संख्या में रहेगा 38.3 मिलियन, इसमें अधिक वजन पाया जाता है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2004 और 2006 में अल्पपोषित लोगों की संख्या 249.4 मिलियन थी, जो 2017-18 में घटकर 189.2 मिलियन हो गई। कहने का मतलब यह है कि भारत की स्थिति ठीक रही, भारत में कमी देखी गई है। जहां आप लोग 2004 में 4 से 6 में आप लोग देखते थे कि 249.4 मिलियन थी, ये 2017-18 में 19 में घटकर आपकी 189.2 मिलियन रह गई है। भारत में अगर हम लोग 5 वर्ष से कम आयु के ठिंगने बच्चों की बात करें, तो ये संख्या 2017 के 47.8% के मुकाबले 2019 में 34.7% हो गई है, यानी इसमें भी आप देखेंगे कमी देखी गई है। और भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मोटापे की बात करें, तो 2012 के 1.9% से घटकर 2019 में 1.6% हो गई है, यानी कि इसमें भी हम लोगों ने कमी देखी है। अगर विश्व में अल्पपोषित लोगों की संख्या में बात करें, मिलियन में है, ठीक है, तो विश्व की बात करें तो 2018 में 678.1 मिलियन थी, और 2019 में 687.8 मिलियन, और वही 2030 की बात करें आने वाले समय की, तो ये 841.4 मिलियन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की बात करें हम लोग, तो 236.8 मिलियन और 2019 में 250.3 मिलियन, वहीं आप देखेंगे 2030 तक तो 430.2 मिलियन। एशिया की अगर बात करें हम लोग, तो ये 385.3 बिलियन ये मिलियन माफ करिए मिलियन 18 में, 19 की बात करें तो 381.1 मिलियन, और वहीं आप 2030 की बात करेंगे तो ये रहेगा आपका 339.2 मिलियन। अगर हम लोग लेटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों की बात करें, तो ये 40.6 मिलियन 2018 में, और 19 में बात करें तो 47.7 मिलियन,
और 2030 तक बात करें तो 66.9 बिलियन। ओशिनिया की बात करें तो 2.4 यानी कि 2.4 2018 में, 2019 में भी 2.4 और 2030 तक 3.4 देखी जाए। वैसे आप लोग याद रखिए, जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होगी, उन क्षेत्रों में हमेशा इस तरह की समस्याएं कम ही देखी जाएंगी। आप अपने केरल राज्य में ले सकते हैं, और दूसरी तरफ आप बिहार राज्य में जाकर देखिए, बिहार की स्थिति सबसे बुरी रहती है, समझ रहे हैं आप। फिर आपने देखा होगा एक और रिपोर्ट आई हुई थी, वैश्विक धन पेषण 2019, 10 जून 2020 को माइग्रेशन डाटा पोर्टल द्वारा वैश्विक धन पेषण संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं, जो विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित हैं। 2020 में कम और मध्यम आय वाले देशों में धन पेषण में 19.7% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके 445 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। कितने? 445, क्योंकि आपने देखा है कोविड-19 के कारण। विश्व बैंक के अनुसार यह गिरावट मोटे तौर पर कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण भी है, जिसमें प्रवासी कामगारों की मजदूरी और रोजगार में कमी आई है, और कई जगह आप देखते हैं कि मजदूर वापस भी लौट आए हैं, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय बात हो या राष्ट्रीय बात हो, दोनों जगह आप देख सकते हैं। विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने सभी क्षेत्रों में धन प्रेषण के प्रभाव में कमी का अनुमान लगाया है, जो निम्नवत है। यूरोप और मध्य एशिया में -27.5%, उप सहारा अफ्रीका की बात करें तो -23.1%, वहीं दक्षिण एशिया की बात करें तो -22.1%, और मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो -19.6%, और लेटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप की बात करें मगर तो -19.3%, वहीं पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो -13% की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। 2019 में अगर हम बात करें शीर्ष 5 धन प्रेषक प्राप्तकर्ता देशों की, तो इसमें क्रमशः निम्न रहे कौन, भारत सबसे ज्यादा। भारत में आप देखेंगे 83.1 बिलियन डॉलर भारत में आया है। वहीं चीन की बात करें तो 68.4 बिलियन डॉलर दूसरे नंबर पर है। मैक्सिको की बात करें तो 38.5 बिलियन डॉलर, और फिलीपींस की बात करें तो 35.2 बिलियन डॉलर है, और मिस्र की वहीं बात करें तो 26.8 बिलियन डॉलर है। तो याद रखिए, इसमें भारत नंबर वन पर है, उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पर है। फिर कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2020 भी जारी की गई है। जून 2020 में जारी विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावना 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.2% अनुमानित है, जबकि अगले 2 वर्षों यानी कि 2021 में इसकी क्रमशः -3.2 और 3.3% हो जाने का पूर्ण बना है। कहने का मतलब है 3.2 और 3.1। 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः रही थी आपकी 7% और 6.2% है रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 की सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के मामले में बांग्लादेश टॉप पर है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, ये टॉप पर है। आर्थिक वृद्धि दर 8.2% अनुमानित है, जबकि उसके बाद क्रमशः चीन 6.1 और मिस्र 5.6 स्थान पर है। तो वैसे भी आप देखते हैं बांग्लादेश कुछ समय से टॉप पर चल रहा है। तो इसका चलने का एक और मतलब है कि आप समझिए कि आप बीच में आपको कहीं जाना है, मान लीजिए 10 किलोमीटर आपको दूर जाना है कहीं, तो कोई बीच में खड़ा हुआ है तो वो पहले मतलब उसे कम समय लगेगा, आप समझिए, आपको दूर जाना है तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो जो देश विकसित हो चुके हैं या जो तरक्की कर चुके हैं, जो अपने मतलब आप सोचिए उद्योग धंधे काफी हद तक लगा चुके हैं, वो कम विकास दर, कम मतलब कम दर से विकास करते हैं, और जो बिल्कुल गिरे होते हैं। अब जैसे हमारी अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं कि बुरी तरह से प्रभावित हुई है, वैसे सभी की अर्थव्यवस्था है, तो अब हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 2 से बहुत 1 से 1.5% 2.5% तक रहेगी विकास दर, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बुरी तरह से हम लोग नीचे गिर चुके हैं, तो उठेंगे तो बहुत दूर में दूरी तय करनी होगी, इसलिए थोड़ा जल्दी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तब आप देखेंगे कि सरकारें इसका श्रेय लेने की भी पूरी कोशिश करेंगी। अभी आपने देखा है कि गृह तो उन्होंने कह दिया कि इसमें भगवान की पूरी मर्जी है, यानी कि भगवान जिम्मेदार है इसके लिए। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक विकास दर 2.4% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2017 एवं 18 में यह क्रमशः 3.3%
और 3% रही थी। 17 में ये 3.3% और 18 में ये 3.0% रही थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर 2020 तथा 21 में क्रमशः 5.2% और 4.2% रहने का पूर्वानुमान है। ब्रिक्स देशों यानी कि आप जानते हैं ब्रिक्स संगठन, इनमें अगर इन देशों के आर्थिक समृद्धि की बात करें तो 2019 में 4.7% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018 में ये 5.3% रही थी। और वर्ष 2020-21 की बात करें तो ब्रिक्स देशों की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 1.7% और 5.3% रहने का पूर्वानुमान है। आप देखेंगे 20 में आप सभी को मालूम है कि ग्रे ही नीचे है, उसके बाद आप देखेंगे 2021 से उठना शुरू होगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे, आपने हाल ही में देखा है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020 भी जारी हुई है। तो 31 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मध्य 2020 के अनुसार COVID-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.2% का संकुचन यानी कि कमी होने का पूर्वानुमान है, यानी कि पहले से ही अनुमान लगा लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपसे कि कौन जारी करता है इसे, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है, एक तरह से बनाई जाती है। संचयी रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2020 से 21 में लगभग आप देखेंगे 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, जो विगत 4 वर्षों में हुई संचयी लाभ को समाप्त कर देगा। ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग विश्व उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2018 से 21 के बीच की बात की जा रही है। ये अर्थव्यवस्था यानी कि देश हो चुके हैं आपकी, ये वार्षिक परिवर्तन प्रतिशत में है। ठीक है, ये 18 के हो गए, ये 19 के, ये 20 और 21 के। तो विश्व की बात करें तो 3.1%, वही 19 की मैं बात करें तो ये 2.6%, और 20 में बात करें हम लोग तो 3.3% माइनस में ये। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं COVID-19 के कारण को एक तरह से गिरती हुई दिखाई दे रही है, फिर 21 में फिर से उठना शुरू हो गई है तो 4.2%। वहीं अगर हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो 18 में 2.3%, 19 में 1.9%, लेकिन अभी ये भी गिरी हुई है, मतलब इन्हें भी प्रभावित किया है COVID-19 ने, तो -5.0%, और वर्ष 21 में फिर से उठेंगी 3.4%। यूएसए की बात करें तो 2.9%, ये 19 में रहा था 2.3%, लेकिन अभी 20 में ये भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है -4.8%। 21 में ये भी उठता हुआ है दिखाई देगा और 3.9% रहेगा। जापान की बात करें तो 0.3%, वहीं 19 की बात करें तो 0.7% रहा था, अभी 20 की बात करें तो -4.2% रहेगा। ठीक है, रहेगी। और 21 की बात करूं तो 3.2%। इसमें यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 2.1%, 18 की बात कर रहा हूं, और इसमें 19 की बात करूं तो 1.8, और वहीं 20 की बात करूं तो -5.5%, वहीं 21 की बात करूं तो 2.8। इसी प्रकार रूस को भी देख सकते हैं, 2.3 18 में, 1.3 19 में, और -4.3 ये आपका 20 में, और 21 में रहेगा 2.9। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो ये 4.3 18 में, 19 में 3.7, और अभी 20 की बात करूं तो -0.7 है, और 21 में रहेगी 5.3। अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं तो इसमें 3.1 18 में, 19 में ये 3.0%, और 20 में ये -1.6%, वहीं 21 की बात करूं तो 3.4 रहेगा। पूर्व और दक्षिण एशिया इसमें देखेंगे 5.7 18 में, 5.19 में, 0.8 ये आपका 20 में, और 6.4 ये आपका 21 में रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हैं माइनस में नहीं रहा है, प्लस में है पॉइंट। ठीक है, चीन की बात करें तो वहीं देखेंगे 6.6 18 में, 6.1 19 में, 1.7 आप देखेंगे अभी 20 में, और 7.6 ये आप देखेंगे कब 21 में। आपने देखा होगा चीन को ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, बाकी अर्थव्यवस्थाएं नीचे गई हुई है, चीन ऊपर जा रहा है। वहीं दक्षिण एशिया की बात करें तो 5.1 18 में, 19 में रहा था 3.8, 20 की बात करूं तो 0. माइनस में 0.6, और 21 की बात करूं तो 4.4। भारत की स्थिति की बात करें तो 6.8 ये आपको मालूम है कि 18 में, 4.1 19 में,
1.2 अभी की बात कर रहा हूं 20 की, और 21 में 5.5 बढ़ती हुई दिखाई देगी, बताया ना। इसी तरह ब्राजील की बात करें तो 1.1, 18-19 में 1.1, और 20 की बात करें हम लोग तो -5.2, और ये 21 में रहेगा 2.9। अल्पविकसित देशों की बात करें तो 4.5 18 में, 4.8 आपका 19 में, 0.8 प्लस में है ठीक है 20 में, और 4.6 ये आपका 21 में। विश्व व्यापार में बात करें तो 4.1% में है ठीक है प्लस में, और ये आपका 18 में, 19 में 1.3, और -14.6 20 में रहा है, और 9.4 ये आपका आने वाले समय में मतलब 21 में रहेगा। ए आपने देखा होगा अंशता संशोधित है, और बी पूर्वानुमान लगाया गया, सी वित्तीय वर्ष के आधार पर कहा गया, और डी वस्तुओं एवं सेवाओं सहित बताया गया। एक रिपोर्ट आप लोगों ने और सुनी होगी, यह है आपकी इंडियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2020। कौन सी है? अप्रैल 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप लोग एडीबी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है, जिसकी थीम रही है व्हाट ड्राइव्स इनोवेशन इन एशिया। तो इस थीम को यानी कि विषय को याद रखना है, और दूसरी बात याद रखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे जारी करता है, तो आप देखते हैं थीम भी पूछ लेता है कई बार। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सभी क्षेत्रों और दक्षिण एशिया देशों की वृद्धि दर की बात करें अगर हम, तो जीडीपी वृद्धि दर की बात करा है, तो मध्य एशिया में देखेंगे 18 में ये 4.4, और 19 में 4.9, और 20 में ये 2.8, और वर्ष 2021 में 4.2। पूर्व एशिया को देख सकते हैं 6.1 18 में, 19 में 5.4, 20 में 2.0%, और ये 21 में 6.5। दक्षिण एशिया की बात करें तो 6.1 19 में, 5.1 20 में, 4.1 और 21 में 6.0%। बांग्लादेश की बात करें तो देख रहे हैं बांग्लादेश सबसे आगे है, 7.9 18 में रहा था, 19 में 8.2, 20 में आए 7.8, और 21 में 8.0 रहेगा। भूटान की बात करें तो 3.8, वहीं 2019 में 4.4, 20 में 5.2, और 21 में 5.8। भारत के बारे में याद रखिए आप लोग जरूर, 6.1 5.0% 19 में, और 20 में 4%, और 21 में 6.2%। मालदीव की बात करें तो 6.9 18 में, 19 में आप देखेंगे 5.7, और 20 में देखेंगे -3.0%, और 21 में देखेंगे आप लोग 7.5। नेपाल की बात करें तो 6.7 18 में रहा था, 7.1 19, 5.3 ये 20, और 6.4 21। वहीं आपके पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो 5.5 ये 18, 3.3 ये 19, 2.6 20, और 3.2 21। वहीं आपके नीचे श्रीलंका की बात करें तो 3.2 18, 2.6 19, 2.2 20, और 3.5 21। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो 5.1 18, 4.1 4.4 19, 1.0 ये आपका 2020, और 21 में 4.7। विकासशील एशिया की बात करें तो ये 5.9 5.2 19 में, और 2.2 20 में, और ये 21 में आपका 6.2 रहा, 6.2। फिर आपने देखा होगा कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति 2020 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में 189 देशों को शामिल किया गया है। तो याद रखिए ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है, इसमें आपके 189 देशों को शामिल किया गया। कितने? 189 देशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.4% और अगले 2 वर्षों तक इसी स्तर पर बने रहने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। श्रम बाजार के परिणामों में वैश्विक असमानता की प्रमुख संकेतक की बात करें 2019 में 50% में है। क्या है? 50% में है। तो श्रम बल की भागीदारी दर की बात करें तो पुरुषों में इसमें 100% और महिलाओं में देखेंगे आप लोग
100 में ये 74% है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 47%। वहीं युवा ना तो शिक्षित ना हो ना भी शिक्षित और ना ही ना तो रोजगार, ये देखेंगे पुरुष 14%, महिलाएं 31%। वहीं श्रम अवमूल्यन की कुल दर की बात करें तो युवा इसमें 15 से 24 साल के युवा तो इसमें देखेंगे 26%। वयस्क की बात करें तो ये 25+ इसमें 11%। अगर समयबद्ध बेरोजगारी की बात करें तो 4% और शहर में और ग्रामीण में 6। ठीक है, श्रम आयु की बात कर सकते हैं इसी तरह। फिर आप देखिए ये इसमें एक ही बात याद रखिए दो चार, कौन जारी करता है, कितने देशों ने भाग लिया है इसमें, ठीक है, कब जारी किया गया, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के आंकड़े पूछा जाएंगे, फिर भी एक नजर डाल लेना, अगर पूछें तो बता दें। फिर आपने देखा है कि हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 जारी की गई है। हाल ही में हुरोन अनुसंधान संस्थान और सिमाओ सेनकांग सेनकांग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से हुरोन ग्लोबल रिच 2020 जारी की गई है। विश्व के शीर्ष 5 अरबपतियों की बात करें हम अगर, तो इनकी संपत्ति है यूएस डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में। तो सबसे पहले आप देखेंगे अमेजन कंपनी के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, 140 कितने बिलियन डॉलर में है, यूएस डॉलर में, ठीक है, ये अमेरिका। और दूसरे नंबर पर रहे वर्नार्ड अर्नाल्ड, 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ये किस कंपनी के मालिक हैं, LVMH के, ये फ्रांस के हैं। आपने देखा है तीसरे नंबर पर बिल गेट्स, 106 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं, अमेरिका के हैं। वॉरेन बफेट 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बर्कशायर हैथवे के हैं और अमेरिका के हैं। मार्क जुकरबर्ग 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर आए, फेसबुक से जुड़े हैं और अमेरिका के हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर वन पर आप देखना जेफ बेजोस हैं। हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में भारत के 137 अरबपतियों की को सूचीबद्ध किया गया है। कहने का मतलब है कि इसमें 137 भारत को भारत के लोग भी शामिल हैं, कितने, 137। इसमें आप देखें जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 33 नए अरबपति भी शामिल हुए हैं भारत के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं और इस सूची में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं, तो टोटल में इन्हें 9वां स्थान मिला है। 26 वर्षीय रितेश अग्रवाल सबसे युवा भारतीय अरबपति हैं, तो रितेश का भी नाम याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपने देखा होगा कि मानव विकास रिपोर्ट 2019 भी जारी की गई है आपकी, मानव विकास रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इन रिपोर्ट या इंडेक्स, तो इसे जारी कौन करता है, ये 9 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में विश्व के 189 यानी कि 189 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, वर्ष 2018 में विश्व में औसतन जीवन प्रत्याशा 72 दशमलव, मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति कितने साल जीने की उम्र है औसत में ही, तो 72.6%। और विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि 12.7 वर्ष, औसत स्कूलिंग अवधि की बात करें तो 8.4 वर्ष, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की बात करें तो 15,745 डॉलर आकलित की गई है। ये विश्व में पूरे सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, वरना आप सोचिए कई लोग जन्म से पहले मर जा जन्म लेने की तुरंत बाद मर जाते हैं, कुछ 15 साल 20 साल, तो उनकी भी इसमें एक क्या किया जाता है कि औसत निकाल दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि मतलब इतना सबके पास इतना पैसा है, आप सोचिए कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रखी गई कितनी, 15,745 डॉलर। आप समझ सकते हैं कि कई लोगों की, आप समझिए 15,000 भी आय नहीं है, समझ रहे हैं, डॉलर की छोड़िए आप लोग, तो सबका एक कॉमन सेंस मतलब कॉमन आकलन करके ले लिया जाता है। विगत यानी कि बीते हुए वर्ष की भांति इस वर्ष नॉर्वे 0.954 HDI मूल्य के साथ मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पर आया, यानी कि टॉप पर आपका नॉर्वे रहा है सीधा सा। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपका ये स्कोर पूछेगा इसमें, या तो पूछ लेगा टॉप में कौन रहा है या भारत की स्थिति पूछेगा। 2018 में मानव विकास दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति में नाइजर था, ऐसे 189वां स्थान मिला था।
ठीक है, मध्यपी की गणराज्य को 188वां स्थान मिला था, और चार की बात करें तो 187वां, दक्षिणी सूडान की 186वां, और बुरुंडी की बात करें तो 185वां मिला था। क्रमशः सबसे कम मानव विकास विकास वाली पांच देश हैं, और पहले नंबर पर आप नॉर्वे देखेंगे। एचडीआर में 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य रहा है 0.439। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान रहा है स्विट्जरलैंड का। इस वर्ष भी भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देशों की ही रही है। एचडीआई मूल्य 0.647 की स्थायी सूची में 129वें स्थान पर रहा है। भारत को कौन सा नंबर मिला है इसमें? 129वां स्थान मिला है भारत को। अगर हम लोग ब्रिक्स देशों की सूची में बात करें तो रूस को 49, ब्राजील को 79, चीन की बात करें तो 85, और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो रैंक इसे 113वीं। तो इसमें भारत को कितना? 129, वही आपका जो रूस है इसे आपकी 49, उसके बाद ब्राजील की बात करें तो 79, और चीन की बात करें तो 85 यानी कि 85, और यहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसे 113वां स्थान मिला है। ठीक, अगर भारत की लैंगिक विषमता की स्थिति की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें जन्म और जीवन प्रत्याशा वर्ष दो वर्ष में है, तो ये भारतीय औसत रहे 69.4। कहने का मतलब है कि यहाँ के हर व्यक्ति, एक औसत की बात कर रहा हूँ, 69.4 साल जीते हैं, समझ रहे हैं? इनमें अगर पुरुषों की बात करें तो 68.2, और महिलाएं ज्यादा जीती हैं पुरुषों से, 70.7। स्कूल की अवधि के औसत वर्ष की बात करें तो 6.5, और इसमें पुरुष 8.2, महिलाओं में 4.7। ये आपको भेदभाव का यहीं से मालूम चल जाएगा। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्षों की बात करें तो 12.3 औसत है, और इसमें पुरुषों की बात करें तो 11.9, और पुरुष महिलाओं की बात करें 12.9। प्रति व्यक्ति GNI डॉलर में बात करें तो 6,829, वहीं पुरुषों में बात करें तो 10,712, और महिलाओं की बात करें तो 2,625। असमानता समायोजित HDI मूल्य की बात करें तो 0.477, लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य की बात करें तो 0.501, और लैंगिक विकास सूचकांक के मूल्य की बात करें तो 0.829 है। ठीक है, फिर आपने एक देखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया था। 20 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह द्वारा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जो इस श्रृंखला में 17वीं वार्षिक रिपोर्ट है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि इसे रोक भी दिया गया है। ठीक है, तो 2019 में जो जारी की गई थी वो 17वीं नंबर की थी, और इसमें आप देखेंगे 190 देशों को शामिल किया गया था, यानी कि 190 देशों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया गया था। इसे हिंदी में आप लोग कारोबारी सुगमता रिपोर्ट भी कहते हैं। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले 12 क्षेत्रों के व्यापारिक विनियमों का अध्ययन कर संबंधित देशों को अंकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई थी। तो इसमें याद रखिए 12 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया था। रैंकिंग में 86.8 अंकों के साथ न्यूजीलैंड पहले नंबर पर आया, उसके बाद आप देखेंगे सिंगापुर दूसरा स्थान 86.2, और हांगकांग की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आया 85.3। तो पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के बारे में आप जरूर याद रखिए, ठीक है, ये पूछ सकता है। डेनमार्क की बात करें तो 4वें नंबर पर 85.3, और दक्षिण कोरिया की बात करें तो 5वें नंबर पर 84.0 अंक रहा है, स्थान प्राप्त किया है इसने। वही रैंकिंग में सोमालिया की बात करें तो अंतिम स्थान पर है, यानी कि 190वें स्थान पर आया है सोमालिया। ठीक है, सोमालिया। अब सबसे जरूरी हो जाती है भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत को अंक मिले हैं 71.0, यानी कि 71। किस नंबर पर आया है भारत? तो 63वें नंबर पर आया है। कितने? 63 नंबर पर। अगर आपसे पूछे कि पिछले वर्ष यानी कि विगत वर्ष की रिपोर्ट की बात करें 2019 की, तो इसमें 77वें नंबर पर था, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत की स्थिति सुधरी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि 14 स्थानों की सुधार किया है भारत ने। डूइंग बिजनेस 2020 में 10 देशों ने सर्वाधिक सुधार दर्शाया है, जिसमें भारत के अतिरिक्त सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन और नाइजीरिया शामिल है आपके। तो भारत का जरूर याद रखिए 63वां स्थान मिला है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि हुरून इंडिया परोपकारियों की सूची 2019 भी जारी की गई है। ये 14 अक्टूबर 2019 को एडेल गिफ्ट फाउंडेशन और हुरून शोध संस्थान द्वारा
एडेल गिवहोरन भारतीय परोपकारियों की सूची जारी की गई है। तो याद रखिए कौन कौन जारी करता है, इन्हें भी याद रखिए। इस सूची में उन भारतीय परोपकारियों को शामिल किया गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के मध्य 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का दान किया है। इस सूची में कुल 100 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल 100 लोगों में 6 महिलाएं भी आपकी शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो 826 करोड़ रुपए के दान के साथ HCL के चेयरमैन शिव नडार ए पहले नंबर पे हैं। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दान किया है, 826 करोड़ रुपये। ठीक है, HCL कंपनी के एक तरह से चेयरमैन है शिव नडार। सूची में 6 महिलाओं में इंफोसिस रोहिणी नीलेकणी शिक्षा क्षेत्र के लिए इन्होंने दान स्वरूप 142 करोड़ रुपए का योगदान देते हुए शीर्ष स्थान है, यानी कि समग्र रूप से 6वें नंबर पर रही है, लेकिन महिलाओं में ये टॉप पर है। ठीक है, इसे भी याद रखना इस तरह। फिर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 भी जारी किया गया है। वैश्विक स्तर पर परोपकारी व्यवहार के बारे में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सबसे व्यापक सर्वेक्षण है जो विश्व के विभिन्न देशों में परोपकारिता की स्थिति पर पैटर्न आधारित चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा अपने सहयोगी गैलप संस्था द्वारा तैयार किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 2017 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। तो याद रखना इसे 2010 से हर साल निकाला जाता है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी किए गए वार्षिक रिपोर्ट इस श्रृंखला का 10वां वार्षिक संस्करण है, यानी कि ये 10वां है जो विगत एक दशक में 2009 से 2018 में किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। इस सूचकांक में कुल 128 देशों को शामिल किया गया है। कितने? 128 देशों को शामिल किया गया है जिसमें सर्वोच्च दानशील देशों में होने होने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे मिला है स्कोर 58%, यानी कि टॉप पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। अगर चीन की बात करें तो न्यूनतम स्कोर 16% रहा है और इसे 126वां स्थान मिला है चीन को। 128 देशों के वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत को 26% स्कोर के साथ 82वां स्थान मिला है, जबकि विगत वर्ष में 124वें स्थान पर भारत था, यानी कि भारत ने अपनी स्थिति क्या है, सुधारी है। इस बार 82 नंबर पर रहा है और पिछली बार ये 124वें स्थान पर था। तो यही थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम 2019-20 में, क्योंकि आप देखेंगे, देखिए 19 का मुझे लगता है कि इस बार पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि 20 में आप देख रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से कुछ ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है, तो 19 के कुछ ज्यादा पॉइंट याद रखिए। ठीक है, और 20 में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उन्हें भी याद रखिए। हो सकता है कि अगर अपने पैटर्न पर चला बोर्ड तो इसमें क्या करेगा वो कि 20 की ही घटनाएं पूछ लेगा, हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में आपने देखा था पिछली बार पेपर हुआ था आपका। तो जितनी भी घटनाएं हैं ना याद रख लीजिए बस आप लोग। चलिए, एक इसमें आर्थिक परिदृश्य में एक टॉपिक और आपका बचता है, वैश्विक सूचकांक। ठीक है,